Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So my birthday is just in 3 days and I have no plans aur mere koi bhi friend party karne ke liye ready nahi hai due to this coronavirus. Bro, mera birthday aa raha hai yaar, kahin chale kya? Yaar mujhe corona nahi hai. Sun to. Oh no. सो घर पे बैठ के बोर होने से बढ़िया है क्यों ना मैं अपने आप को ही कुछ पैम्पर करूं, अपने आप को स्पेशल फील कराऊं। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। सो टुडेस वीडियो इज वेरी स्पेशल बिकॉज माय बर्थडे इज इन जस्ट 3 days एंड मैं आपके साथ शेयर करने वाला था अपना ग्रूमिंग रूटीन विच आई फॉलो एवरी संडे, बट दिस टाइम आई एम फॉलोइंग एक्सटेंडेड वन क्योंकि इट्स माय बर्थडे एंड आई हैव फुल राइट टू फील स्पेशल। तो मैं आज अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करने वाला हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बर्थडे में फॉलो करें, आप अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, शादियाँ आ रही हैं, उनमें भी फॉलो कर सकते हैं एंड वंस इन ए वाइल यू कैन पैम्पर योरसेल्फ। लेट मी टेल यू, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे किसी भी ब्रांड ने कोई पैसे नहीं दिए हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ये सारे मेरे अपने पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं यूज कर रहा हूं। सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक दिस वीडियो एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट विच आई डिड वॉज टू हैव अ हेयर कट। हेयर कट से आपकी पूरी फेस की लुक चेंज हो जाती है। मैंने बहुत टाइम से हेयर कट नहीं कराया था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई बर्थडे। तो मैं यूजली हेयर कट बहुत ही ज़्यादा छोटे करा लेता हूँ क्योंकि मैं हर महीने अपने पैसे बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। तो मैं अपने साइड से 1 नंबर करा के रखता हूँ ट्रिम पे एंड ऊपर से स्लोप कटवाता हूँ। जो मेरी मिड हेयर की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, इट्स अ मीडियम रेंज। दिस हेयर स्टाइल सूट्स माई फेस क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा ओवल स्टाइल में है। आफ्टर दैट आई ट्रिम्ड माई बियर्ड एट होम। मैंने बियर्ड को एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लीन लुक दिया है। मुझे बहुत बड़ी बियर्ड भी नहीं अच्छी लगती है, मैं 1 या 2 नंबर पे रखता हूँ एंड जस्ट गिव इट अ क्लीन लुक। और अगर आप टाइम टू टाइम अपनी बियर्ड को क्लीन करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी बियर्ड को एक शेप देने में। इसके बाद आई वॉश माई फेस सो दैट जितने भी बाल हैं वो सारे के सारे साफ हो जाएं। अब बारी आती है मेरे हेयर केयर रूटीन की। हेयर केयर के लिए मैं यहाँ पे खादी का कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ मैं ऐड कर रहा हूँ खादी का ही कैस्टर ऑयल, ये भी आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल को मैं अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। उसके बाद आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई रूट्स। उसके बाद आप अपने स्कैल्प के अच्छे से मसाज करिए जिससे कि जो तेल है वो आपके रूट्स में अच्छे से पहुँच जाए एंड लीव इट फॉर 30 मिनट्स। इसके बाद मैं करता हूँ बाकी का काम जैसे कि ट्रिमिंग माय अनवांटेड बॉडी हेयर। मेरी 15 डेज में ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो सबसे पहले मैं अपने चेस्ट के हेयर ट्रिम कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है कि ग्रोथ ज़्यादा हो गई है एंड आई वांट टू मेक देम ट्रिम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने बैक के हेयर भी ट्रिम करने चाहिए। टी शर्ट के ऊपर से ये बहुत ख़राब दिखता है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड दिखता है, सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं ट्रिम करूँ। उसके बाद ऑफकोर्स डाउन देयर ऑल्सो। उसके बाद मैं अपने पैरों के भी बाल ट्रिम कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से ट्रिम कभी नहीं करता हूँ। अब बारी आती है मेरे नेल्स कट करने की। 15 डेज में मेरे नेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मैं उन्हें टाइम टू टाइम कट करता हूँ। पैरों के नेल्स कट करना बिल्कुल मत भूलिए, हम लोग पैरों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब बारी है फेस की केयर करने की। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ चारकोल फेस स्क्रब। मैं अपना फेस एक्सफोलिएट एवरी 1 वीक या 2 वीक्स में करता ही हूँ जिससे जितनी भी डेड स्किन होती है वो सारी खत्म हो जाती है। फेस के साथ साथ आप अपनी गर्दन को एक्सफोलिएट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। After that, now it's time to wash my hair and wash my body. To wash my hair, I'm using Mamaearth का tea tree shampoo. This I have been using from last 1.5 months and ये मेरे बालों में बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। शैम्पू को मैं कभी भी 2 मिनट से ज़्यादा अपने स्कैल्प पे नहीं रखता हूँ टू अवॉइड एनी एक्स्ट्रा डैमेज। मैं शैम्पू को अपने स्कैल्प से अच्छे से रिंस करने के लिए अपने स्कैल्प के अच्छे से मसाज कर रहा हूँ सो दैट सारा का सारा शैम्पू निकल जाए। उसके बाद मैं अप्लाई कर रहा हूँ Mamaearth का टी ट्री कंडीशनर। शैम्पू करने से जो आपके बालों का नेचुरल ऑयल है वो खत्म हो जाता है तो इस जगह पे कंडीशनर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कंडीशनर लगाने के बाद आई जस्ट वेट फॉर 2 to 5 मिनट्स, आफ्टर दैट आई जस्ट वॉश इट वेल। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपनी बॉडी पे एम कैफीन का कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। ये मुझे गिफ्ट में मिला था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर डे टू यूज़ इट
क्योंकि मैं इसको एवरी डे यूज़ नहीं करता हूँ, ऑन अ स्पेशल ओकेजन आई यूज़ इट, सो आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ इट एंड अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई बॉडी. जैसे ही मैंने अप्लाई करना शुरू किया, आई वॉज लविंग द फ्रेगरेंस, बहुत अच्छी इसकी खुशबू थी. एंड आई एम नॉट श्योर कि क्या इससे फ़र्क पड़ने वाला है, बट आई एम जस्ट यूजिंग इट. आफ्टर दैट आई एम जस्ट वॉशिंग इट वेल. वॉश माई फेस, आई एम यूजिंग हेयर मामा अर्थ का ओपटन फेस वॉश. ये भी मेरे पास प्रमोशन के लिए आया था, बट आई स्टार्टेड लविंग इट क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे एप्रिकॉट के क्रिस्टल्स हैं, जो कि आपके फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट भी करते हैं. सो टू वॉश माई बॉडी, आई एम यूजिंग हेयर पियर्स का बॉडी वॉश. ये मैंने अभी हाल ही में यूज करना स्टार्ट किया है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है. बचपन में मैं पियर्स का साबुन यूज करता था, बट इनका बॉडी वॉश भी बहुत ज्यादा अच्छा है. यू गाइस शुड ऑल्सो ट्राई इट. मैं ट्राई करूंगा, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ. मैं लूफा से अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से स्क्रब करता हूँ. एंड ऑफकोर्स आपको अपने पैरों का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अपने पैरों को वॉश करना अवॉइड कर देते हैं. पैरों में अच्छे से साबुन लगाने के बाद मैं यहाँ पे फुट स्क्रबर ले रहा हूँ, जिससे मैं अपने पैरों की अच्छे से स्क्रब करूंगा. जो भी डेड स्किन होगी वो सारी की सारी निकल जाती है और आपके पैर बिल्कुल नए से हो जाएंगे. मैं घर पे एक्चुअली चप्पल कम पहनता हूँ, उससे जैसे मेरे पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं. बट एनीवेज, एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट रिंसिंग इट वेल. After that, I'm just cold drying my hair. मैं यहाँ पे blow dry नहीं कर रहा हूँ, because to avoid any extra damage. Just setting my hair up. And of course, अभी जो weather है उसमें आपकी skin बहुत ज़्यादा dry हो रही है, so never forget to apply moisturizer. यहाँ पे मैं the man company का moisturizer use कर रहा हूँ, which is great. तो गाइज, ये था मेरा ग्रूमिंग रूटीन, जो कि मैं स्पेशल ओकेजन्स पे ही फॉलो करता हूँ. हर संडे को मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ. सो या, यू गाइज कैन विश मी ऑन माई बर्थडे. माई बर्थडे इज़ ऑन 2nd of November. हियर इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं या फिर स्टोरी पे पोस्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के कॉमेंट में भी विश कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट. सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ लाइक, डू सब्सक्राइब. होपफुली आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, विच वुड बी अ बर्थडे व्लॉग. सो या, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.